सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। आपसी विवाद में कथित रूप से चाचा द्वारा भतीजे पर बंदूक निकालने और बंदूक की बट से वार कर बुरी तरह से घायल कर देने का एक सनसनीखेज मामला गढ़वा जिले के श्री बंसीधर नगर थाना क्षेत्र से निकलकर सामने आया है। घटना थाना क्षेत्र के अधौरा गांव की है, जिसमें गंभीर रूप से घायल सियाराम विश्वकर्मा फिलवक्त अनुमंडलीय अस्पताल में इलाजरत है। वहीं मामला अब थाने में जा चुका है और आवेदन के आधार पर पुलिस मामले की तहकीकात में जुट गई है। सियाराम विश्वकर्मा ने बताया कि गुरुवार की सुबह वह अपने घर के दरवाजे पर खड़ा था, तभी चाचा विजय विश्वकर्मा ने जान से मार देने की नियत से उस पर एकाएक बंदूक तान दी और बंदूक के बट से उसके सिर पर वार किया गया, जिसमें सियाराम गंभीर रूप से घायल हो गया। उसने बताया कि बीच बचाव की नियत से पहुंचे उसके परिजनों के साथ भी चाचा पक्ष से पहुंचे हृदय विश्वकर्मा, मनीष विश्वकर्मा, धीरज विश्वकर्मा, प्रभु विश्वकर्मा, सविता देवी, डिंपल देवी, सीमा देवी और ममता देवी द्वारा भी धारदार हथियार व लाठी डंडे से हमला कर भुक्तभोगी सियाराम के परिवार वालों को घायल किया गया, जिसके बाद गाँव वालों द्वारा बीच बचाव कर किसी तरह मामला शांत कराया जा सका। वंशीधर से शुभम जायसवाल की रिपोर्ट। क्या मामला है बताइए? क्या मामला है? तो मैटर कुछ नहीं था, मल्ल से केस चला तो आकर धमकी पहले भी देखा आ रहे थे तुमको गोली से मारेंगे, बंदूक से मारेंगे, उसके यहाँ लाइसेंसी गन भी है, उस गन से हमको मारने पकड़ लिया ना, उसके बाद कहाँ से मारे हम माथा पट गए। कौन मारा है? विजय विश्वकर्मा। विजय विश्वकर्मा किस विवाद को लेकर मारपीट हुआ है? जमीनी मैटर में लेकर के बात तो हो रहा था, उन लोग हम तो नहाने जा रहे थे, उसके बाद हमको पकड़ के लगे मारने। पहले से 12 या 13 में केस चल रहा है, अभी भी कोर्ट में केस है, उनके विभाग में भी दिए थे हम पहले, मेरे परिवार और पत्नी वगैरह के सबको बच्चा को मार रहे थे 12 या 13 में, सब पेपर है, और उसके बाद भी अभी धमकी देकर के आए तो हमको मार दिए। क्या चीज से मारे? ये गन से मारे हैं। तो शिकायत थाना में दिए आप? थाना में गए थे तो थाना में हमको पता नहीं है, अभी होश में आए हैं, और थाने में गए तो बड़ा बाबू के थे, हमको लिखे, मेरे भाई लोग लाए हमको हॉस्पिटल में, अभी हम होश में हुए हैं, बेहोशी हालत में थे, विजय विश्वकर्मा गन से मारे हैं। अब गन से मारे उसमें मैं नाल से लगा कि गांव से मारे हमको पता नहीं है, पर हम बेहोश हो गए, उसमें घर वाले पकड़ के हमको लाए। कितने लोग को चोट लगा है? दो लोग। दो लोग के और बच्ची लोग के भी, माँ लोग भी थे, वो लोग डायरेक्ट सबको रेड करके, बच्चा को भी मार रहे थे, अमित कुमार को भी रेड करके मारे थे, गांव बहुत दूर तक रेड कर ले गया था।